बिल्कुल भी मुझे अच्छी नहीं लगी। हाय एवरीवन, सो दीज आर ऑल द ईबा प्रोडक्ट्स आई गॉट रिसेंटली इन रमदान। टिल नाउ आई हैव बीन यूजिंग लैक्मे एंड सम अदर ब्रांड्स विच इज़ गुड टू गो इन। टिल नाउ बेसिकली आई एम यूजिंग सम ब्रांड्स फ्रॉम दुबई, लैक्मे एंड सम फ्यू एंड ऑल। But recently in Ramzan, I thought why not shift totally to halal product which is completely halal। ये देर कर कर करके भी आप नमाज पढ़ सकते हो, तो definitely why not shift to ईबा हलाल। तो मैंने रमज़ान में ये सारी चीज़ें मंगवाई हैं जो कि basic essentials हैं। ज़्यादा मेकअप करने वालों के लिए तो नहीं है, but regular wear जो मेकअप यूज़ करते हैं, regular wear, simple normal मेकअप, इंडियन वुमेन काइंड ऑफ, तो उस उनके लिए ये सारी चीज़ें बहुत यूज़फुल हैं। तो इनका मैं रिव्यू दे रही हूँ। कुछ प्रोडक्ट्स ऑलरेडी मैं यूज़ कर रही हूँ, कुछ अभी मैंने यूज़ नहीं किए। तो क्या क्या मैंने पूरे ये बजट में ख़रीदा है ये आपको दिखा रही हूँ। तो ये सारी चीज़ें जो हैं मैंने 2825 के बजट में मैंने ऑर्डर किया है रमज़ान में। तो हाँ, कुछ चीज़ों में ऑफ़र्स भी हैं, 30% ऐसा कुछ वगैरह। तो ये सारे एसेंशियल्स हैं, बेसिक एसेंशियल्स जो हर किसी को चाहिए चाहिए। तो लेट मी ओपन वन बाय वन। हाँ, तो सबसे पहले तो ये वाला है क्रुएल्टी फ्री लिप बाम है, ये स्ट्रॉबेरी का है, तो हलाल सर्टिफाइड प्रोडक्ट। तो सबसे पहले तो ये वाला है लिप बाम जो कि स्ट्रॉबेरी का है, नो अल्कोहल, नो पोर्क एनिमल, ये वगैरह पैराबीन्स, ये आप देख सकते हैं। तो ये मैं ऑलरेडी यूज़ कर रही हूँ एंड आई प्रिटी मच लव इट। एकदम सॉफ्ट है लिप्स पे, ऐसा कुछ टिंट या स्मेल ऐसा कुछ नहीं छोड़ता, तो बहुत ही अच्छा है ये प्रोडक्ट, मुझे बहुत पसंद आया। ऐसा भी नहीं है कि जल्दी लिप बाम पूरा लिप पे अप्लाई हो जाए, ऐसा नहीं है। बहुत ही हार्ड और स्मूथ है, मतलब कि ज़्यादा प्रोडक्ट आपके लिप पे नहीं लगेगा। तो डेफिनेटली इट्स ए गुड टू गो। एंड देन नेक्स्ट प्रोडक्ट इज़ दिस वन, काजल पेंसिल है, काजल कोल काजल। तो एवरीडे जो काजल अप्लाई करते हैं मेरी तरह, उनके लिए बेस्ट है। तो आप ये देख सकते हैं ऑल डे कोल काजल, तो इस तरह का है। दुबई में मैंने एक काजल ख़रीदा था जो कि सेम कोल है, तो वो ज़्यादा मुझे स्मज प्रूफ लगा इसके मुकाबले में, ज़्यादा स्मज प्रूफ लगा। बट ये भी ठीक है, ऐसा नहीं है कि ये एकदम से बिखर जाता है, लेकिन इसका लाइनिंग जो है थोड़ा मोटा अप्लाई होता है एप्लीकेशन के टाइम। तो इसका एप्लीकेशन एक बार आपको दिखाती हूँ। सो लुक एट दिस, ये है इसका एप्लीकेशन, थोड़ा मोटा अप्लाई हो रहा है, ऐसा नहीं है कि एकदम से पतला आपको चाहिए। तो आईलाइनर भी आप ले सकते हैं, काजल इज़ ए गुड टू गो। एकदम से आईज ठंडे हैं लगाने के बाद, ऐसा कुछ नहीं है। तो मैं रेगुलरली इसे ऑलमोस्ट 1 वीक से यूज़ कर रही हूँ, आई जस्ट लाइक दिस प्रोडक्ट। अभी मैं इसको एक बार आपको वाइप करके भी दिखाती हूँ हाथ से। तो जैसा आप देख सकते हैं कि ज़्यादा मैंने हार्शली किया, फिर भी ये वाइप नहीं हो रहा। तो मैंने ये दो मंगवा लिए हैं। अभी नेक्स्ट प्रोडक्ट जो मैं यूज़ कर रही हूँ डेली फ्रॉम ऑलमोस्ट 2 वीक्स, वो है ये वाला डर्मेटोलॉजिकली टेस्टेड क्लियर स्किन नाइट क्रीम है ये। तो क्रिस्टल क्लियर स्किन टोन परफेक्टर है। तो ये 500-600 कुछ ऐसा रेट है इसका। पैकेजिंग कुछ इस तरह से है, ईबा एडवांस्ड स्किन टोन परफेक्टिंग जेल क्रीम। इस ओपन करने पे यह है क्रीम, इस तरह से वाइट बेस में है। तो आपको बस एक छोटा सा ड्रॉप, लाइक हाफ इंच का एक छोटा सा ड्रॉप लेना है हाथ में और टैप कर देना है फेस पे, लगड़ना नहीं है फेस पे, बस टैप कर देना है लाइटली ऑन योर स्किन बिफोर गोइंग टू स्लीप। तो हाँ, ये मुझे फ़र्क पड़ा है बहुत ज़्यादा, मेरे डार्क स्पॉट्स आए हुए थे फेस पे, तो वो बहुत हद तक कम हो गए हैं। ऑलमोस्ट जस्ट 2 वीक्स ही हुए हैं, 2 वीक्स में भी मैं 2-3 दफ़ा मैंने मिस कर दिया था, बट स्टिल ये काम कर रही है। तो डेफिनेटली इट्स गुड टू गो, ये मेरी तरफ से डेफिनेटली रिकमेंडेड है। और अभी नेक्स्ट प्रोडक्ट जो मेरे पास है वो है फेयरनेस इंस्टेंट फेशियल। ये इंस्टेंट फेशियल है, इसी में आपके इसी में आपका फेस वॉश हो जाएगा,
स्क्रब हो जाएगा और मास्क भी अप्लाई हो जाएगा सेम। तो ये क्रीम है तो 70 रुपीज़ का है ये, और ये मैं आपको पैकेजिंग खोल के दिखाती हूँ। ये सारे इंस्ट्रक्शंस वगैरह दिए हुए हैं। दिस इज़ द क्रीम, आप देखते ही आपको पता चल गया होगा कि मैं ऑलरेडी इसे यूज़ कर रही हूँ। ऑलमोस्ट 4-5 टाइम्स मैंने ये फेशियल लगाया है फेस पे, हाँ बहुत फ़र्क पड़ा है। इसे बस आपको कैसे यूज़ करना है कि फेस आपको फर्स्ट वॉश कर लेना है प्रॉपरली, बस सोप से या फिर डायरेक्ट नॉर्मल वाटर से ही वॉश कर लीजिए। अब भीगे फेस पे पोंछना नहीं है, भीगे फेस पे ये छोटा सा इतना सा आपको क्रीम लेना है हाथ में, छोटा सा इतना सा आपको क्रीम लेना है हाथ में, और वो फेस पे अच्छे से दोनों हाथों से सर्कुलेटरी मोशन में अच्छे से लगा देना है। जैसे आप साबुन लगाते हैं मुंह पे वैसे ही ये लगा देना है, और उसे ऐसे ही छोड़ देना है, स्क्रब करके क्रीम को छोड़ देना है मास्क की तरह। वो सूख जाएगा 10-15 मिनट, अच्छे से सूख जाएगा फेस आपका, ड्राई और वाइट हो जाएगा एकदम, तो आप जाके वॉश कर लीजिए, बस दैट्स इट। ये एक साबुन की तरह ही है, साबुन आपको बस 10 मिनट रखना है, उसी तरह आप समझ लीजिए। तो ये वाला भी मुझे बहुत अच्छा लगा, 70 रुपीज़ में है तो डेफिनेटली गुड टू गो एंड डेफिनेटली आई रिकमेंड इट। अभी काजल हो गया, लिप बाम हो गया, सब फेशियल ये क्रीम हो गया, तो लिपस्टिक नेक्स्ट आता है। लिपस्टिक तो हर लड़की को लिपस्टिक तो चाहिए किसी न किसी ओकेशन पे, बस लिप बाम तो लगा के छोड़ नहीं सकते। तो लिपस्टिक्स मैंने 2 कलर्स यहाँ पे ऑर्डर किए हैं। एक है ये 65 रूबी टच, और ये 80 पिंक ब्लश, 2 मैंने ऑर्डर किए हैं। ये एक एकदम वेलवेटी रेड कलर है, और एक नाजुक सा पंखड़ी कलर का इस तरह का है, खोल के आपको दिखाती हूँ। इसके रेट्स इसके ऊपर ही है, आप देखिए 250, बट ये ऑफ़र में कुछ हद तक कम हुआ था। तो इस तरह की इसकी पैकेजिंग है, ईबा लिखा हुआ है इसके ऊपर विद द लेबल। और ये देखिए ये 2 कलर्स हैं इसके, रूबी रेड और ये पिंक ब्लश कलर। तो ये अप्लाई करके दिखाती हूँ। ये मैंने बिल्कुल भी एक बार बस यूज़ किया था, ये रूबी टच, ये वाला मैंने यूज़ नहीं किया। तो ये अप्लीकेशन दिखाती हूँ आपको। ये देखें 2 कलर्स इस तरह से हैं, एक एकदम वेलवेटी रेड कलर में है, और एक एकदम रोज़ ऑरेंज टच का पिंक ब्लश टाइप है। तो ब्लश की तरह भी यूज़ कर सकते हैं, ऐसे भी यूज़ कर सकते हैं। तो ये वाला, ये 2 मैंने यूज़ किए हैं। और क्वांटिटी भी देखें बहुत अच्छा ग्रेट है, तो 250 की रेंज में आ रहा है, बट ऑफ़र कुछ था इसका, ईद था तो डेफिनेटली ऑफ़र में ही मैंने सारे लिए हैं। अभी नेक्स्ट बारी आती है फेस वॉश की। ये फेस वॉश मैंने एक्स्ट्रा एक लिया है, ईबा एडवांस्ड एक्टिव्स अल्ट्रा वाइट स्किन टोन परफेक्टिंग फेस वॉश। जैसे आपने देखा मैं ये अभी तक मैंने यूज़ नहीं किया है, सूट्स ऑल स्किन टाइप्स, तो बट मुझे भरोसा है कि क्योंकि इसका फेशियल इतना अच्छा था तो डेफिनेटली ये भी बहुत अच्छा होगा, आई डेफिनेटली कैन से दैट। 249 में है ये। ये ज़्यादा आपको अप्लाई नहीं करना, छोटा सा अमाउंट लेना है और अप्लाई करना होता है, तो ये मैं जब यूज़ करूँगी तभी मैं आपको बता सकूँगी। बट और हेयर के लिए मैंने सारा ये पैकेज ही ले लिया है, ब्लैक सी थेरेपी हेयर ऑयल, ये इस तरह से हेयर ऑयल है, ये मैंने ओपन नहीं किया अभी। एंड ब्लैक सीड हेयर एंड स्कैल्प कंडीशनर है यहाँ पे, एंड ये शैम्पू है ईबा हलाल का। तो ये 3 प्रोडक्ट्स मिल के आते हैं। तो हेयर का ऑलवेज मेरा ऐसा रहा है कि मैंने पैंटीन ही मोस्टली मैं यूज़ करती हूँ, बट इस बार मैं ईबा यूज़ करने वाली हूँ, तो ये ऑलमोस्ट 1 मंथ जब मैं यूज़ करूँगी तभी आपको बता पाऊँगी। बट इसका पैकेजिंग लुक सब देख के, हलाल प्रोडक्ट है तो डेफिनेटली कौन नहीं ख़रीदना चाहेगा। और रेट भी मुझे बहुत अच्छा लगा, रेट भी बहुत ही अच्छा खासा था। देखे 1173 यहाँ पे लिखा हुआ है, 1173,000 रुपीज़ का ये पैकेज है, तीनों आ जाते हैं। तो डेफिनेटली आई एम गोना ट्राई दिस ऑल्सो। अब एक जो चीज़ मुझे बिल्कुल पसंद नहीं आई ईबा हलाल की, वो ये वाली है,
परफेक्ट लुक बीबी क्रीम बिल्कुल भी मुझे अच्छी नहीं लगी। अंदर से इस तरह की एकदम सॉफ्ट मलाई की तरह, बटर क्रीम की तरह है, बट जैसे ही मैं ये फेस पे अप्लाई करती हूँ, इतना ज़्यादा मेरा फेस जलने लग रहा है, इतना ज़्यादा जल रहा है कि आई कांट से यू। और कवरेज अच्छा खासा है, बट जैसे ही आप गर्मी में थोड़ी देर रुकते हैं, पूरा निकल के पसीने में आ रहा है ये बीबी क्रीम। तो डेफिनेटली ये वाला तो मैं बिल्कुल भी रिकमेंड नहीं करूँगी किसी को भी, स्पेशली जिसका सेंसिटिव स्किन है मेरी तरह। तो डेफिनेटली डोंट बाय दिस, ये बिल्कुल भी अच्छा नहीं है। आई डोंट नो मेरा एक प्रोडक्ट ऐसा है या फिर क्या है, बट आप खुद ही ये ट्राई करेंगे तो आपको पता चलेगा। फाउंडेशन पता नहीं कैसा है, फाउंडेशन आई एम गोइंग टू परचेज सून, प्योर लिक्विड फाउंडेशन जो है वो मैं परचेज करने वाली हूँ सून, तो उस पर भी रिव्यू मैं बनाऊँगी। बट ये वाला बीबी क्रीम बिल्कुल मत खरीदिए, पैसे वेस्ट मत कीजिए, इसके बदले एक एक्स्ट्रा फेयरनेस क्रीम आप मंगवा लीजिए। अब पता नहीं मैंने ये ख़रीद लिया है तो मैं क्या करूँ, किसी को दे दूँ जिसका स्किन ऑयली है, उन पर शायद सूट कर लेगा, बट मुझे तो ये बिल्कुल भी सूट नहीं कर रहा। आई एम नॉट गोइंग टू यूज़ दिस। तो ये थे मेरे सारे प्रोडक्ट्स जो मैंने मंगवाए हैं, जो कि नॉर्मल मेकअप करती है इंडियन वुमेन उनके लिए है, और ये गिफ्ट इन्होंने दिया है, और ये गिफ्ट कार्ड इन्होंने दिया है, 100 रुपीज़ का गिफ्ट कार्ड वाउचर है। तो मैं नेक्स्ट टाइम जब ईबा हलाल से कुछ ऑर्डर करूँगी तो 100 रुपीज़ का ऑफ मुझे मिलेगा। और ईद के टाइम आप ईद के या फिर ऑफर्स चलते रहते हैं ईबा हलाल वेबसाइट में, तो आप चेक करके ऑर्डर कर सकते हैं। सो दैट्स इट फॉर दिस रिव्यू गाइस। जायद ने देखे क्रीम खोल दिया है, बीबी क्रीम ऐसे ही, ये क्रीम बहुत जल रहा था, देखें बेस इस तरह का है इसका। सो व्हेन आई एम परचेजिंग दीज मेनी आइटम्स, हाउ कैन आई फॉरगेट टू परचेज ईबा हलाल परफ्यूम्स विच इज़ वेरी फेमस एवरीवेयर एंड एवरीबडी इज़ बाइंग इट बिकॉज इट्स हलाल, यू कैन अप्लाई इट एंड नमाज भी पढ़ सकते हैं, और कहीं बाहर जाना है वो भी जा सकते हैं, तो इट्स लाइक ए मल्टीपर्पज़ थिंग। तो इस तरह के पैकेजिंग में आते हैं सबसे पहले, तो दो बॉक्सेस मैंने ऑर्डर किए हैं, पर बॉक्स इट्स लाइक 1100, बट प्राइस अमेज़ॉन में कुछ ऑफर में था। तो इसमें 4 फ्लोरल सेंट्स आते हैं इस तरह के, नेम्स आप देख सकते हैं, रेन ड्रॉप्स, स्वीट पैशन, फ्लोरल फैंटेसी, देन शो स्टॉपर। All the perfumes are unique in its own way. Showstopper, it's a kind of, it gives a kind of a romantic feeling, perfect for natural, for office wear, party wear. So this is the little bit stronger one compared to other. तो इसमें रोल ऑन ऐसे दिया गया है ऊपर, एंड इट्स नॉट ड्रिपिंग एट ऑल। आई एम शोइंग यू हियर, आई चेक्ड द लीकेज एंड एवरीथिंग, द पैकेजिंग वाज परफेक्ट। आई ऑर्डर्ड इट फ्रॉम अमेज़ॉन सिंस द ईबा वेबसाइट इट वाज फुल। देन द नेक्स्ट वन इज़ फ्लोरल फैंटेसी, इट्स काइंड ऑफ लाइट वेट कंपेयर टू अदर, एंड स्वीट पैशन वी हैव, इट काइंड ऑफ गिव्स ऑफिशियल फॉर्मल perfume, you know, the official formal kind of thing. Then raindrops, it's like आप बरसात में खड़े हैं, और natural earthy smell आपसे आ रही है। So all the perfumes are great to say, but my personal favorites are showstopper and raindrops. These two are my personal favorites. So it's a go-to and definitely recommended for perfume lovers. Every day जो perfume natural one लगाना चाहते हैं, जो ज़्यादा strong ना हो, तो उनके लिए definitely तो that's it. I hope कि मेरा ये simple सा एकदम raw honest review आपको पसंद आया होगा। Thank you so much for watching. I'll see you in next video or vlog. Until then, take care. Bye bye.